अर्चना का बर्थडे है, बड़ा प्रोड्यूस फिल्म देखने का मौका मिला आपको जी, कैसी फिल्म लगी और क्या? हमें तो बहुत पसंद आई और फिल्म बहुत कमाल की बनाई थी और पूरा लखनऊ पूरा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था। सो आज उनके बर्थडे तो हम लोग यहाँ मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं और अमन जी जो हैं जो इस यहाँ के ओनर हैं उन्होंने ये सब चीज़ें अरेंज की हैं, तो थैंक यू सो मच आनंद जी हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, फिल्म काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट बन गई, अलग अलग स्क्रिप्ट पे और कॉन्टेंट फिल्म काफ़ी डिमांड में है, क्या कर चाहेंगे आपको? आज के टाइम का सिनेमा एक्चुअली चेंज हो चुका है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और कंटेंट ही चल रहा है। आप देखें तो अभी पिछले कुछ महीनों में जो भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं तो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं जितना छोटी फिल्में काम कर रही हैं और जितना छोटी फिल्में चल रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग रिलेट कर पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आम जनता के लिए भी अच्छी चीज़ है कि उनको अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिल रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। आप कुछ जाना पड़ेगा चेहरा टीवी इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे आपको अगर कोई स्क्रिप्ट देखती तो आप किस तरह की स्क्रिप्ट को मतलब एंटरटेन करेंगे कि किस तरह के रोल होने चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए मैं तो मतलब इसको किस्मत कही है या फिर शोभित फिरोजा को उसका फोन आ रहा है, इसको किस्मत कही है चाहे कुछ भी कही है, मतलब मुझे अच्छे टीवी शोज भी करने को मिले, अनुराग बासु के साथ काम किया, अभी एक नया शो जो चल रहा है रिश्तों का चक्र भी वो भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है और वो भी इसी वजह से कि उसका कंटेंट अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसका हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो अलग है। सो डेफिनेटली पिक्चर अगर ऐसी मिलती है जिसमें कुछ करने लायक होगा तो दिख जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। कुछ कुछ जो टीवी सीरीज है काफ़ी फेमस है, काफ़ी लंबे समय से चलते हैं, लेकिन कुछ टीवी सीरीज का देखते हैं कि कभी 3 महीने में कभी 6 महीने बंद जाता है, तो ये इनसिक्योरिटी को कैसे हैंडल करता है कोई एक्टर या कोई प्रोड्यूसर अगर देखा जाए तो? देखिए हमारे लिए मतलब एज एन एक्टर हम तो सिर्फ अपना काम करने जाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं, हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 साल इंतज़ार किया है रिश्तों का चक्र, 1 साल पहले हमने पायलट किया, सिर्फ इसलिए कि इसका कॉन्सेप्ट अलग है और एक्चुअली अगर आप पूछें तो इसको करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अलग ही टाइप का शो है जिस तरीके से हम लोग शूट कर रहे हैं, मतलब कहीं भी क्रिएटिवली कोई एक होता ना कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, नहीं हम क्रिएटिवली अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है अच्छा काम, फिल्मों में भी टेलीविज़न में भी और किसी भी मीडियम में पसंद आना ही आना है, तो इनसिक्योरिटी किस चीज़ की? थैंक यू सो मच जी, का बर्थडे प्रोड्यूसर है बड़ा कंपनी की, फिल्म देखने का मौका मिला आपको और क्या कहना चाहेंगे? वेल फिल्म वाज फैंटास्टिक और अर्चना ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया आज के इस प्रेजेंट सिनॉप्सिस में, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का खड़ा होना इस तरीके से और एक इतने अच्छे सब्जेक्ट के साथ, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अर्चना एंड एज अ फ्रेंड एज अ वेल विशर आई विश कि वो ऐसी फिल्में और आगे बनाती रहे और इंडस्ट्री में ऐसे न्यू इनिशिएटिव होते रहने चाहिए, ऐसे न्यू टैलेंट्स आते रहने चाहिए अर्चना की तरफ। शी हैज़ डन फैंटास्टिक फैंटेबुलस एंड गॉड गॉड ब्लेस हिम, इट्स हर बर्थडे, आज उसका जन्मदिन है, तो मैं आई जस्ट प्रे टू गॉड कि गॉड ब्लेस हर ऐसी तरक्की करती रहे, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाती रहे और आप दर्शकों को एंटरटेनमेंट करती रहे, आई जस्ट विश। आज के ज़माने में काफ़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्म हो रही है और एंटरटेनिंग भी कर रहे हैं, तो काफ़ी स्टार्स और ड्रिवन फिल्में वो फ्लॉप हो रही हैं और कंटेंट ड्रिवन फिल्म हिट हो रही है, क्या करना चाहिए, कितनी पॉजिटिव बात है इंडस्ट्री के लिए? देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आज एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिनेमा चेंज हो रहा है, अब धीरे धीरे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, आप देखेंगे एक छोटी सी फिल्म आई है अभी बरेली की बर्फी, आई लव दैट मूवी, उसका कंटेंट देखिए, डायरेक्टर नया है, कंटेंट फ्रेश है, आई मीन अगर कोई इनिशिएटिव लेता है दैट्स व्हाई आई एम प्रेजिंग अर्चना, जस्ट अप्रिशिएटिंग बिकॉज उसने एक इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है, एक इनोवेटिव सब्जेक्ट सुना। देखिए हिट होना फ्लॉप होना वो वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक इनिशिएटिव लेना, एक अच्छा काम शुरू करना इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यार मैंने अभी एक फिल्म कंप्लीट की रॉज इंटरनेशनल के साथ, 7 कदम नाम है, अमित साध मैं और अनित रॉय इस फिल्म में है, तो अभी जस्ट कुछ महीने पहले उसको फिनिश किया है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है,
उसके अलावा बाकी कोशिश चल रही है अच्छे काम की. एक और फिल्म साइन की है मैंने, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि डिसाइड ये हुआ था कि हम सब साथ झुंड में जाएंगे और पिक्चर देखेंगे. वो बीमार पड़ गई तो वो मौका नहीं मिल पाया और हर कोई अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो गया. मगर हम श्योर अभी तो फिलहाल 9th के बाद ही इंशाल्लाह कि हम मिल के ज़रूर देखेंगे पिक्चर. एक्चुअली हर चीज़ स्टोरी पे डिपेंड करती है. आजकल की जनता इतनी स्टूपिड नहीं है कि आप उसे कुछ भी दिखाओगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगी. तो स्टोरी, स्क्रिप्ट दमदार होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम श्योर अर्चू है, ARC है, तो शी इज़ वेरी स्मार्ट, मारवड़ी है वो दिमाग की. तो वो सोच समझ के उसका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, उसने वेल प्रेजेंट किया होगा और नए लोगों को लिया, हीरोइन नॉन लिए. बट आई एम श्योर जो हीरो भी है इस मूवी का, जो मैंने प्रोमो देखा, मैंने शेयर भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगता नहीं है कि वो पहली बार काम कर रहे हैं मूवी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में इट सीम्स. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक वे में देखने के लिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी विथ हर. आई एम सॉरी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ फिलहाल मैं अच्छे प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रही हूँ. मुझे कुछ भी बीच से नहीं करना, क्योंकि साथिया के बाद मैंने दो शो लिए और मैंने बीच बीच से लिए एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मगर मुझे बहुत अच्छी जो भी कैरेक्टर दिया गया है, इट वॉज़ गुड. मुझे ब्रीफ किया गया था ऐसा ऐसा है. बट नाउ आई वॉन्ट स्टार्ट समथिंग जो मुझे शुरुआत से मिले, स्टार्ट से मिले. जैसे एक नया शो शुरू हो रहा है, मैं एक नए शो का पार्ट बन के कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ. सो आई एम वेटिंग. बिल्कुल, मेरी दोस्त है, लोगों के लिए वो प्रोड्यूसर अर्चना चंदा है, मेरे लिए वो ARC है हम लोगों की. और बहुत अच्छा लगा जब दोस्त कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब उनको बेबी स्टेप लेते हुए देखा है, तो आज फाइनली वो प्रोड्यूसर बन गई इतनी यंग एज में, तो बहुत प्राउड मोमेंट है ये. और आजकल कंटेंट डिमांड फिल्म का काफ़ी डिमांड है, आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्म टॉप हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ये? देखिए, वही बात है कि अच्छी स्क्रिप्ट होगी, वो फिल्म छोटी हो या बड़ी हो वही चलेगी. ऑडियंस सब समझदार होगा. वो टाइम गया जब लोगों को मतलब फॉरेन लोकेशन, शिफॉन साड़ी में हीरोइन का डांस और यू नो हवाएं और ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी. आजकल लोग जो हैं वो अच्छी मूवी, अच्छी स्टोरी, अच्छे एक्टर्स देखना चाहते हैं. तो फिल्म छोटी या बड़ी हो, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए. सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा ये है, स्क्रिप्ट अच्छी हो. फिलहाल तो मेरा उड़ान चल रहा है, उड़ान में नेगेटिव हूँ और बस. थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी कि आनंद जी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया एंड माई फ्रेंड शोभित, अजय, फिरोजा, नवीन, एवरीबडी इज़ हियर, वंदना इज़ हियर एंड फ्यू अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन. आई एम सो हैप्पी एंड दे रियली मेड मी फील स्पेशल. सो दे मेड माई बर्थडे स्पेशल. थैंक यू सो मच.